हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो मेरा नाम है सुधीर वर्मा। दोस्तों, आज 10 साल बाद मैं मामा के गांव जाने वाला हूं, क्योंकि वहां मामा के गांव जाएंगे तो हम लेके जाएंगे 2 कटहल। तो चलो देखो, पीछे मेरे कटहल का पेड़ है, तो चलो मैं कटहल काटता हूँ, तो आप सभी को दिखाता हूँ। दोस्तों, एक काटेंगे ये वाला और एक काटेंगे ये वाला। तो दोस्तों, ये वाला तो ऊँचा है तो पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, और चलो इसको पहले काट लेते हैं। तो दोस्तों, ये भी नहीं भिटा पा रहा है, थोड़ा लगता है कि मुझे पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। तो चलो मैं पेड़ पे चढ़ता हूँ। दोस्तों, मैं पेड़ पे तो चढ़ गया, लेकिन हंसवें नीचे ही रह गया, गिर गया। मैंने अटकाया था लेकिन गिर गया। तो दोस्तों, ये देखो कितना मस्त कटा है, कितना मस्त और मुलायम है। तो चलो, अभी मैंने अंकित भाई को बुलाया तो वो आ रहे हैं, तो वो हंसवा धराएंगे तो मैं काटूँगा। दोस्तों देख सकते हो, और यहाँ पे निकल रहा है इसमें से लाशा। तो दोस्तों, ये चपक जाता है हाथ में। अब देखो ये कितने देर तक गिरेगा ये मालूम नहीं है। तो चलो जल्दी से लेकर चलते हैं इसको। दोस्तों, मैंने यहाँ पे लाकर रख दिया, क्योंकि इसका जब तक दूध गिरेगा नहीं तब तक होगा नहीं, तो इसलिए लाकर यहाँ पर रख दिया। चलो हम तैयार हो जाते हैं, तब तक दूध निकल जाएगा। तो दोस्तों, इस कटोल को इस झोरे में जल्दी से करते हैं और लेकर निकल चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ और आधे रास्ते तय कर चुका हूँ स्टेशन तक। अब जाना है जल्दी से। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसमें वजन है कटहल में। फाइनली दोस्तों, हम कुछ समय में स्टेशन पे आ जाते हैं, और कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमें ट्रेन भी मिल जाती है। तो हम ट्रेन में बैठ कर चल देते हैं अपने मामा की गाँव की ओर। कुछ समय बैठ के सफ़र करने के बाद हम पहुँच जाते हैं सीधे स्टेशन पर, और वहाँ से उतर के हम लोग जाने थे अभी गाड़ी पकड़ने। तो चलो हम लोग चलते हैं जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, थोड़ी देर पैदल चलने के बाद हम लोगों को गाड़ी भी मिल जाती है, और हम गाड़ी में बैठकर निकल चलते हैं अपने मामा की गांव की ओर। तो फाइनली दोस्तों, आ चुके हैं और यहाँ से आएंगे मामा को लेकर जाएंगे। तो चलो, तक हम लोग वेट करते हैं, अभी मामा आएंगे तो लेकर जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, कुछ समय बाद हम आ जाते हैं मामा के गांव और बागीचे में आते हैं, और यहां पे लोग रहे थे कच्चे कच्चे आम और बहुत ही मस्त थे। तो अभी आए हैं हम लोग, फाइनली दोस्तों नहा धोवा के तैयारी हो चुके हैं, अब हम जाएंगे मेला घूमने। तो दोस्तों, अभी हम आए थे बागीचे की ओर, तो देखो कितना पका हुआ और मीठा आम मिला। तो दोस्तों, इसे हम खाएंगे मेले से आने के बाद। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे अंत करते हैं। आप सभी को मेला अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं आप सभी को जल्द ही एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।